हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो है फरवरी के महीने के लिए। फरवरी के महीने में क्या होगा ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे सभी एस्पेक्ट के साथ। आज जो रीडिंग है वो मैं दो साइंस के लिए कर रही हूँ। फर्स्ट जो पाइल है वो एयर साइन के लिए है, यानी कि अगर आपका जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये जो पाइल है ये आप लोगों के लिए होगा। सेकेंड पाइल है वाटर साइन के लिए, जिनका जॉडियक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसियस, तो ये सेकेंड पाइल जो है वो आप लोगों के लिए होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि ये जो आप बता रहे हो ये मून साइन से है या सन साइन से है, तो आपका कोई भी साइन आपको पता है तो आप उससे ही इस रीडिंग को देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सन साइन से है या मून साइन से है, जो भी आपका जॉडियक साइन आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। तो इसलिए इस पर मत जाएं कि मून साइन के लिए है या सन साइन के लिए है, दोनों के लिए है। अगर आपको जो भी पता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देखें तो आपको रीडिंग रेजोनेट होने के चांसेस जो है काफी ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे दो और साइंस हैं, फायर साइन और अर्थ साइन, इसकी कल वीडियो अपलोड हो जाएगी जहां पर आप देख सकते हो अगले आने वाले दिनों में, यानी कि फरवरी के महीने के दिनों में आपके लिए क्या कुछ है, तो वो वीडियो मैं कल अपलोड करूंगी। आज मैं दो साइंस को ले रही हूँ ताकि बहुत ज्यादा डिटेल्ड रीडिंग ना हो और आपको देखने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आपका है तो फर्स्ट पाइल चूज कीजिए, और वाटर साइन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगर आपकी राशियां हैं तो ये वाला पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आज हम देखेंगे थर्ड किसी पहलू को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, रिलेशनशिप के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, प्रोफेशनल रीडिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, कैसे रहेंगे ये दिन आपके लिए, फरवरी का महीना कैसा जाएगा, तो सारे पहलुओं को कवर करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पाइल की। तो चलिए बात शुरू कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट पाइल की, जिनका है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस साइन। और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। पहले एनर्जीज चेक करते हैं, उसके बाद मैं कुछ और कार्ड्स लेकर देखना चाहती हूँ। रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन, ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहां पर है हॉस्टेलिटीज। तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ जगह पर आपको थोड़ा सा मनन करने की, चिंतन करने की जरूरत रहेगी, फैसले करने में ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। खास तौर पे अगर आपने फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई काम करना है तो आपको बहुत ध्यान से रेस्ट लेकर करना है, रिजुविनेट होकर करना है, क्विकली डिसीजन नहीं लेने। कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपको धोखा देने के लिए आपके आसपास हो सकता है, कोई भी आपको किसी तरह से भी गलत गाइड कर सकता है। आप किसी से गाइडेंस मांगने जाएंगे और वो आपको गलत गाइड कर देगा या कुछ छुपा लेगा, तो ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। तो फरवरी का महीना एयर साइन आप लोगों के लिए थोड़ा ध्यान रखने का है और मनन करने का है, यानी कि चिंतन करने का है। खुद से सोचिए, खुद से विचार कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर किसी के पास पूछने के लिए जाएंगे तो हो सकता है वो कुछ बातें हाइड कर ले और कुछ गलत गाइड कर दे आपको, जानबूझकर भी वो ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो फरवरी के महीने में आप क्या फेस करने वाले हो, तो एनर्जीज तो आपको मैंने बता दी। तो चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप की। ओके, द हायरोफेंट, फूल की एनर्जी, यहां पर है थ्री ऑफ स्वॉर्ड। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपको केयरफुली चलना है, आपको एक दूसरे की बात को सुनना है, समझना है, बिल्कुल भी केयरलेसली नहीं चलना कि चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करो इसको, या अपने पार्टनर को आप इग्नोर करें, या आप ऐसा करें कि रिश्ते को कुछ समझें ही नहीं। तो वहाँ ऐसी गलतियाँ आपकी जो भी हैं, जो भी गलतियाँ आप करेंगे उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, यहाँ पर आपकी गलतियाँ गिनी जाएंगी। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो उसको समय देना पड़ेगा, उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा। घर परिवार के लोगों के लिए भी ये बात है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको अपने बड़ों की बातों को मानना पड़े और रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए उनकी बात को आपको सुनना पड़े, उनकी बात को आपको समझना पड़े, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये बातें जो है हर्ट करने वाली भी हो सकती हैं। ऐसा होगा कई बार कि पार्टनर ने कुछ कह दिया तो आपको थोड़ा हर्ट कर जाएगा,
थोड़ी बातें समझनी मुश्किल हो जाएंगी, आप अपने आप को बहुत मेच्योर मानोगे और उनको ऐसा मानोगे कि ये तो बिल्कुल केयरलेस है। इसकी तो बात को समझना और सोचना बड़ा डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से आपको हर्ट हो सकता है। तो ये वाली एनर्जी निकल कर आई है। तो फरवरी का महीना बहुत समझने का महीना है, जहां पर आपको एक मेच्योरिटी दिखानी होगी और रिश्ते को संभालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केयरलेसली आप कैसे भी इस रिश्ते को आगे लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम रिश्ते में आ सकती है। अगर आप केयरलेसली चलेंगे, बिल्कुल इग्नोर करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। और घर के रिचुअल्स को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, घर पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर ये लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में है। तो आपको अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए टाइम स्पेंड करना है, घर परिवार के साथ रहना है, उनकी बात को सुनना है, मानना है, तभी जो है वो आपके रिश्ते अच्छे चलने की उम्मीद मैं कह सकती हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ सिंगल पर्संस की, सिंगल लोगों के लिए देख लेते हैं कि फरवरी का महीना जो है वो क्या बता रहा है। तो चलिए सिंगल पर्संस के लिए जस्टिस, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, यहां पर है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए आ सकता है, आपको जस्टिस मिल सकता है और वो कार्मिक हो सकता है। जो भी पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा वो कहीं ना कहीं कार्मिक पर्सन होगा, कार्मिक रिलेशनशिप होगा आपका, और ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा, जहां पर आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए, एक दूसरे को जस्टिस करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। जिसकी डिमांड आप कर रहे थे, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है फरवरी के महीने में। तो सिंगल लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पर आपकी कमिटमेंट पूरी हो सकती है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, जो आपने मांगा था यूनिवर्स से वो पूरा हो सकता है। और कोई कार्मिक लेसन लेकर आपके पास आएगा, कोई कार्मिक साइकिल से निकल कर आपके सामने आएगा, और वो आपको अच्छा कुछ देने वाला। ऐसा नहीं है कि कोई लेसन देकर जाएगा या कोई एक्सपीरियंस देकर चला जाएगा आपकी ज़िंदगी से, नहीं, जस्टिस होगा आपके साथ और आपके इमोशंस को वो समझेगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है, जब आप अपने रिलेशनशिप को संभाल सकते हो, उसको नर्चर कर सकते हो, उसको एक राह दे सकते हो, रास्ता दे सकते हो, और उस रास्ते पर आगे भी बढ़ सकते हो। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है फरवरी के महीने में। अब मैं बात कर लेती हूँ स्टूडेंट्स की, तो चलिए स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं क्या है, और स्टूडेंट्स के लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है फरवरी के महीने में, आपके लिए क्या रहेगा। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, ग्रेट, नाइट ऑफ कप्स। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर। फरवरी के महीने में बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स भी होते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको अपनी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रित करना है, उसको आप नियंत्रित करके जितना ज़्यादा चलेंगे जजमेंट उतना ही होगा। खुद को हील करें, खुद की क्रिएटिविटी को देखें, खुद एक नया स्टार्ट कर सकते हैं आप। जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो जितना एफर्ट करेंगे उससे ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, जजमेंट आपके साथ होने वाली है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और कुछ लोग जो डर रहे हैं कि एग्जाम्स हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे इसको हम कंप्लीट करेंगे, तो उनको हीलिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी बात का डर होगा, जब एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा का पूरा पेपर तो आपको आता है, डरने की क्या जरूरत है, किस बात से आपका मन घबरा रहा है, किस बात की चिंता हो रही है। तो ये सारी चीजें एग्जाम में बैठकर आपको लगेंगी और हीलिंग मिलेगी, और किसी भी तरह के डर से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप जिस काम को कर रहे थे, जो क्रिएटिविटी आप दिखा रहे थे, या जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो एजुकेशन में बच्चों के लिए फरवरी का महीना अच्छा है, पर मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती ही हैं, तभी आपको जजमेंट मिलेगा, तभी आपको हीलिंग मिलेगी, तभी आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो रिजल्ट अच्छा आने की पूरी उम्मीद है, पर जितना एफर्ट हो सके ना उसको ज़्यादा बढ़ा देना, ताकि आपको रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा मिले, क्योंकि समय तो अच्छा है ही। जितना ज़्यादा और ज़्यादा एफर्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा समय और भी आपको दिखाई देगा। तो ये है स्टूडेंट्स के लिए। अब हम हेल्थ के लिए भी देख लेते हैं कि हेल्थ के लिए फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, हेल्थ में आप क्या फील कर सकते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अगर आपका साइन है तो हेल्थ में क्या चीजें हैं जो आप फेस करोगे। ओके ओके, द मून, टेम्परेंस, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल,
तो यहाँ पर हेल्थ के लिए आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं आपके मन में। वाटर एलिमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्रिस्टल वाटर पी सकते हैं, मून वाटर ले सकते हैं, कोई थेरेपी कर सकते हैं। इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत रहेगी। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं, हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, तो फरवरी का महीना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको हेल्थ को अच्छा रखना है तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको हेल्थ को समझना है तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। आप जो बोओगे वही आप आगे जाकर काटोगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप हेल्थ का ध्यान रखोगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हेल्थ को इग्नोर किया और फिर आप सोच रहे हो कि मेरी हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए थी, मैंने तो ये खाया ही नहीं, मेरी हेल्थ कैसे खराब हो गई, मैंने तो ये किया ही नहीं, मेरी हेल्थ कैसे खराब हो गई। हेल्थ को बैलेंस करने के लिए योगा, मेडिटेशन और इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, इन चीज़ों को ना ज़रूरी होता है अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना। अगर आप नहीं बनाते हो तो कहीं ना कहीं छोटी उम्र में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। कहीं इमोशनल इम्बैलेंस नज़र आएगा, कहीं फिजिकल इम्बैलेंस नज़र आएगा। तो फरवरी का महीना है बहुत पेशेंस का, बहुत अच्छे ढंग से चलने का और बिल्कुल बैलेंस रहने का। कोई इग्नोरेंस नहीं दिखानी। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेना। यहाँ पर ये दिखाया गया है आपको कि अगर आप मेडिसिन प्रॉपर तरीके से लेते हो तब आपको इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा मिल सकता है। अदरवाइज कहीं इम्बैलेंस किया आपने, अगर आपने डॉक्टर से दवाई तो लिखवा ली पर उस दवाई को प्रॉपर तरीके से लिया नहीं, तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। आपको फेस करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, कुछ इम्बैलेंस नज़र आएगा। तो मिडिल पाथ को चुनिए और अपने लिए मेडिसिन भी लीजिए, योगा मेडिटेशन की टेक्निक्स को भी यूज़ कीजिए, तो आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। ये यहाँ पर हमने बात कर ली है रिलेशनशिप की, बात कर ली है आपके एजुकेशन की, हेल्थ की। एक टॉपिक जो रह गया है उसकी भी हम बात कर लेते हैं, वो है बिजनेस का। तो फरवरी के महीने में आप लोगों के लिए एयर साइन, अगर आप बिजनेस में हैं या आप किसी जॉब में हैं तो आपके लिए ये समय कैसा रहेगा इसकी भी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर बहुत अच्छे कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल। तो इसके साथ है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके, दो दो किंग्स हैं भाई। इसके साथ है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर दो पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि इस टाइम पर आपके जो फैसले हैं वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है। कहीं नई इन्वेस्टमेंट का आपको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पर आपको ना वाइजली चलना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअली चलना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेट बहुत ध्यान से करना है क्योंकि आप एक किंग की पर्सनैलिटी में हो और किंग जो होता है उसे हर चीज़ को देखना होता है, उसे हर फैसला लेते हुए केयरफुल होना होता है, उसे सबका ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस में अगर आप हो या जॉब में हो तो काफ़ी इंटेलेक्चुअली चलना पड़ेगा, वाइजली चलना पड़ेगा। कई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको फरवरी के महीने में लेने पड़ सकते हैं जो आपको सोच समझ कर लेने होंगे। आपको फैसला करने के लिए बनाया गया है, यहाँ पर आपको ही तय करना है कि आपको क्या करना होगा। आपको किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी एनर्जी किंग की एनर्जी है और किंग जो होता है वो किसी से राय नहीं लेता बल्कि अपने फैसले खुद करता है। तो यहाँ पर अगर आप अपना फैसला सही ढंग से करेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। कोई नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। अब अगर आप बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पर भी समय अच्छा है। कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई लैंड लेना चाहते हो, या जॉब में कुछ आप आगे बढ़ना चाहते हो। कई लोगों के लिए प्रमोशन यहाँ पर दिख रही है मुझे, और कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा, आपको सराहा जाएगा, आपकी आगे ग्रोथ हो सकती है। तो ये समय जो है वो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग किसी भी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में हैं। आप लोगों के लिए भी एयर साइन ये समय बहुत अच्छा है। तो ये है आपकी रीडिंग जो आपके लिए फरवरी के महीने के लिए थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ वाटर साइन आपकी। अगर आपने इसको चुना है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस आपकी साइन है, तो आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, फरवरी का महीना कैसा रहेगा, पहले हम एनर्जी कार्ड से देख लेते हैं, उसके बाद मैं और कार्ड्स लेकर आपको डिटेल करूंगी। तो चलिए एनर्जी कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, गुड।
आपके लिए यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ, यहाँ पर है पेशेंस। तो ये हैं आपकी एनर्जीज जो फरवरी महीने के लिए हैं वाटर साइन। आप लोगों के लिए समय पर्सनल हीलिंग का है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का है, कोई काम करने का है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करें, जहाँ पर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े, किसी पैसों से संबंधित कोई डील हो, तो ऐसा भी मैं सोच पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ यहाँ पर। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों में पेशेंस भी रखना है, यानी कि जब आप कोई मटेरियल से रिलेटेड फैसला करते हो तो आपको स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहना है, दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई ऐसा कुछ देखें जहां पर आपको लगे कि मुझे यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे यहां पर बिजनेस करना है, तो स्पिरिचुअली जो कनेक्शन आपका है उसको आप तोड़ के बिल्कुल काम में इंडल्ज हो जाएं, ऐसा ना करें। काम में अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है या अपना समय देना पड़ रहा है, तब भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहें, भगवान को याद करें, ग्रैटिट्यूड करें, और ये कनेक्शन दोनों तरफ से होना चाहिए, यानी कि आप जितना स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं उतना ही आप मटेरियली भी ग्रो करें, फाइनेंशियली भी ग्रो करें, और पेशेंस रखें, दोनों चीज़ों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और फरवरी का महीना यही बता रहा है कि आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस करना ज़रूरी है। तो आप करेंगे तो उतना ही ग्रो करेंगे, उतना ही आपको खुशियाँ मिलेंगी, हैप्पीनेस मिलेगी, हीलिंग मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं पहले से, कमिटेड हैं, उन लोगों के लिए देखते हैं कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आपके लिए आपके रिश्ते कैसे जाने वाले हैं और क्या आप रिसीव करने वाले हो, कहां पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा है जो बताना भी ज़रूरी है। नाइट ऑफ वॉन्स कमिटेड रिलेशनशिप के लिए ये है स्टार, ग्रेट। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो आप किसी रिलेशनशिप के लिए कुछ विश कर रहे हो ऐसा मुझे लगता है, और किसी रिलेशनशिप के लिए विश करते करते आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी। तो एक सेल्फ डाउट है आपके अंदर रिलेशनशिप को लेकर, किसी कमिटेड रिलेशनशिप को लेकर, जो आपके साथ तो है पर फिर भी आपके मन में डाउट रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ छिन ना जाए, कहीं ऐसे ऐसे भय, ऐसे ऐसे डर आपके मन में रहते हैं उस बंदे को लेकर या बंदी को लेकर, जो आपको नहीं होने चाहिए। आपको अगर एक ब्लेसिंग मिली हुई है, एक रिलेशनशिप मिला हुआ है जिसमें आप बहुत खुश हैं, बहुत स्ट्रांगली आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को फील करते हैं, तो फिर डर किस बात का। ये नाइटमेयर्स जो आपको आते हैं ना, ये आपको बिना बात की एक डर है जो आपको अपने दिल से निकालना चाहिए। जितना आप इस डर में रहेंगे उतना ज़्यादा आप रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहेंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कमिटेड रिलेशनशिप में अगर हो तो फरवरी का महीना ब्लेसिंग का महीना है, आप इस डर से बाहर निकलिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको अपने पर्सन के साथ बात करने की ज़रूरत है। इस टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं, अगर आपका कोई टॉपिक उलझा हुआ है तब भी आप बात कर सकते हैं, उनको अपनी बात समझा सकते हैं। तो आपको तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली हुई है, इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए और किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा डर है तो आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आपको इस बात का डर है, तो ये बात करने से ही जो बात है वो संभल जाएगी। स्टार की एनर्जी है आपके साथ, ब्लेसिंग है आपके साथ, और आपको क्या चाहिए। तो फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। जो छोटी छोटी बातें हैं अगर आपको लगता है कि सुलझ नहीं रही हैं या बड़ी ना हो जाए या कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो बैठिए सॉर्ट आउट कीजिए, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है जो आपके रिश्ते में किसी भी तरह का बदलाव लेकर आए या प्रॉब्लम लेकर आए। ये डर जो मन में है आपके, इसको आप दूर कीजिए, बस इतना ही मैं यहाँ पर कहूंगी। कमिटेड लोगों के लिए अच्छा रिलेशनशिप है, आप इस रिलेशनशिप में डिवोट कर सकते हो, कुछ समय डिवोट कर सकते हो, कुछ एक्शन ले सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, कुछ जगह पर घूमने जा सकते हो, कोई ट्रैवलिंग कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से भी आप अपने समय को बिताएं और अपने मन को खाली करें अगर ऐसा कोई भय आपके अंदर आता है। अब बात करते हैं सिंगल लोगों के लिए कि फरवरी का महीना वाटर साइन सिंगल लोगों के लिए कैसा जाएगा। फरवरी का महीना सिंगल लोगों के लिए क्या बता रहा है, फरवरी का महीना सिंगल लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज है, क्या बता रहा है। ओके, पेशेंस, टेम्परेंस। सिंगल लोगों के लिए क्या एनर्जीज है, यहाँ पर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है पाइल नंबर टू वाटर साइन, आप लोगों के लिए जो सिंगल लोग हैं आप में से,
काफी पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे कोई नया कमिटमेंट नजर नहीं आ रहा है। काफी जद्दोजहद रह सकती है किसी को ढूंढने में, किसी को मैनिफेस्ट करने में। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। कई बार किसी के साथ कोई बहस भी हो सकती है। अगर कोई आप पर्सन की उम्मीद कर रहे हैं कि आपका रिश्ता इनसे जुड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ सकती है, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी को ढूंढने वाले हो, उस पर समय दे रहे हो, किसी रिश्ते को देखने के लिए जा रहे हो, तो समय बहुत जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने काम को भी मैनेज नहीं कर पाओगे और चीज़ें मैनेज नहीं होंगी आपसे। यहाँ पर ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो पेशेंस रखिए। फरवरी का महीना पेशेंस का है, जो सिंगल है तो आपको ज़्यादा भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, और आप उस समय का इंतज़ार कीजिए जब एनर्जीज बहुत अच्छी होंगी और आपकी फेवर में होंगी, तब आप स्टेप ले सकते हो। अभी जो समय है वो ऐसा नहीं है कि आप इस तरफ जाएं और ज़्यादा स्टेप्स लें। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, टाइम मैनेज नहीं होगा, बहस हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी, बिना बात से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो ऐसा मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब मैं बात कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स की जो फरवरी के महीने में एग्ज़ाम देने वाले हैं, या अपने लिए कुछ नया सोचने वाले हैं, या कोई और आप लोगों ने क्रैक करना है, कोई एग्ज़ाम बड़ा क्रैक करना है। कैसा रहेगा आप लोगों के लिए फरवरी का महीना? यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो ये है आप लोगों के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देखिए, अगर आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को आने दिया होगा, अगर आपने चाहा होगा कि आपको वो मिले जो आप चाहते हो, वो एफर्ट्स आपने की होंगी, तब आपको वो मिल सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आने वाली है, पर स्टेबिलिटी यहाँ पर कम नज़र आ रही है। ऐसा लगेगा जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आकर चली जा रही हैं। उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। हो सकता है आपने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया हो, आपने स्किल्स को इग्नोर किया हो, आपने ज़्यादा स्किल्स सीखे ना हो, या ज़्यादा मेहनत ना की हो। जहाँ पर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी झोली में अब जाने ही वाला है, ये एग्ज़ाम तो क्रैक हो ही जाएगा, पर आते आते चीज़ें अटक जाएंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, आपका रिजल्ट आएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लगेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, पर आपको इस बात को समझना है कि ये स्टेबिलिटी जो आपके हाथ से निकली है, ये रीज़न क्या था? आपने मेहनत नहीं की। आप अगर मेहनत करते हैं फरवरी के महीने में, तो रिजल्ट आपको मिल सकता है, पर हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख तो रहे हो, पर उसे एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है, एक चैलेंज लेना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना चैलेंज के आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, तो आपको चैलेंज लेना पड़ेगा कि मुझे करना ही है, तब आप कर पाएंगे। यहाँ पर ये एनर्जीज निकल कर आई हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अगर आप बड़ा एग्ज़ाम कोई क्रैक करना चाहते हो, तो अपने मन में ठान लो और अपने लक्ष्य स्थापित कर लो, अपने लिए फोकस करो। जितना फोकस करोगे ना, यहाँ पर भी देखिए कहा गया है कि जितना फोकस करोगे उतना रिजल्ट पाओगे। तो यहाँ पर अभी तो मुझे अनस्टेबल एनर्जी नज़र आ रही है, पर ये आपके ऊपर है, क्योंकि एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। हम अपनी विल पावर के साथ इनको बदल सकते हैं। यही टैरो की खासियत होती है कि जब हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, एनर्जीज को पहचान लेते हैं, तब हम उसका रास्ता भी बदल सकते हैं। तो जितना एफर्ट करोगे, फोकस करोगे, जितना आप लक्ष्य निर्धारित करोगे, उतना ही स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे, उतना ही आपको फायदा होगा। अब मैं बात कर रही हूँ हेल्थ की। यहाँ पर वाटर साइन, अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखते हैं फरवरी का महीना हेल्थ के लिए कैसा जाने वाला है, क्या है हेल्थ में जो आपको जानना जरूरी है। ओके, यहाँ पर है हाई प्रिस्टस, डेविल, ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए कि आप हेल्थ को इग्नोर करोगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या आप कहीं अकेले रहते हैं जिसकी वजह से आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, या मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने फरवरी के महीने में आएंगी, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हो कि ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बॉडी में चल रहा है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स भी आपको नज़र आ सकते हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी खाने पीने में किसी भी तरह की इग्नोरेंस ना रखें, बहुत अच्छा खाएं, बाहर का जंक फूड बिल्कुल मत खाएं, बहुत पेशेंस के साथ रहें,
और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हो, आयुर्वेदा की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। आप अपने लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए, जितना हो सके आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके आप हीलिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। इंट्यूटिवली आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको आती है हीलिंग टेक्निक्स, कुछ लोगों को तो आती होगी ज़रूर। आप ज़रूर अपने ऊपर उन हीलिंग टेक्निक्स को यूज़ करने की कोशिश करें। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत ज़्यादा मैं अच्छा नहीं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ सकती है। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जो जो टेक्निक्स आप कर सकते हैं वो कीजिए, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय जो है वो ढीला ढाला सा है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। आपको कहीं बाहर भी दिखाना पड़ सकता है, किसी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब मैं बात करती हूँ बिजनेस की और जॉब की। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो फरवरी का महीना क्या आपके लिए लेकर आ रहा है? क्या आप रिसीव करने वाले हैं द चैरियट? यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं, फेब मंथ में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, आपको एक्शन लेना पड़ सकता है, आपको कहीं ऐसी जगह पर जाना पड़ सकता है जहां पर आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, करना चाहिए आपको या करने के लिए जाएंगे आप, कुछ भी कहा जा सकता है, जहां पर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए जा सकते हैं, जहां पर अपनी जॉब को बढ़ाने के लिए जा सकते हैं, कुछ आप सीखने के लिए जा सकते हैं, स्किल्स को डेवलप करने के लिए जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए ना आप काफ़ी एक्सपेंशन करने वाले हो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचोगे, एक्सपेंशन के लिए सोचोगे, किसी टीम के साथ बात करोगे, लोगों के साथ बात करोगे, कई एक्शन आप लोगे फरवरी के महीने में जो आपके अच्छे के लिए होंगे। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस भी करोगे और अपनी विल पावर के साथ आप बहुत कुछ करने वाले हो, नई नई चीज़ों को देखोगे, नए नए चीज़ों को आप अपनाना चाहोगे, नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ोगे। तो काफ़ी अच्छा टाइम है जब आप एक्सपेंशन कर सकते हो, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, जॉब में भी ग्रोथ मिल सकती है, जॉब भी आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। ये एक्शन का समय है बिजनेस और जॉब के लिए, तो एक्शन जितना आप लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्रैवलिंग से घबराइए नहीं, ट्रैवलिंग आपके अच्छे के लिए होगी। तो ये है आपकी रीडिंग, जो बिजनेस और जॉब और हेल्थ और स्टडी, जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, रिलेशनशिप। तो आज की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो और ये पैटर्न आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसी पैटर्न से अगर आप रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आगे की रीडिंग्स भी मैं इसी पैटर्न से देने की कोशिश करूंगी। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उनके आधार पर ही मैं ये डिसाइड कर पाऊंगी कि ये रीडिंग का पैटर्न आपको कैसा लगा। आपको सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएं कि ये पैटर्न अगर आपको अच्छा लगा तो आगे की रीडिंग भी हम इसी पैटर्न से करेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।